हेलो दोस्तों, रोहनाज क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। और मैं आप सबके लिए एक पायदान का बहुत ही सुंदर और आसान वीडियो यहाँ लेके आई हूँ। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 28 फंदों का पायदान है कि यहाँ मैं फंदे डालने बता रही हूँ आपको। तो फंदे डालना बहुत ही आसान है, ये देखिए। तो डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए, हमने 28 फंदे यहाँ अपने पूरे कर लिए हैं पूरे। हमारे 28 फंदे हो गए हैं। अभी मैं बुनाई स्टार्ट करती हूँ। तो ये उल्टी सिलाई मैं आखिर तक लेके जाऊंगी, लेकिन आखिरी के दो फंदे मैं छोड़ दूंगी बिना बुने। तो ये देखिए, यहाँ में मैं जब आखिरी के दो फंदे बचेंगे तो हम दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट कर लेंगे। ये दो फंदे रह गए हमारे, दूसरी तरफ से बुनाई करेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही दो फंदे हमारे छोड़ देंगे। तो देखिए, ये दो और फंदे हम यहाँ छोड़ देंगे दूसरी तरफ से। तो इस तरह से हम दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे, दो चार छः। और चूँकि हमने 28 फंदे लिए हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसे समझ नहीं आए तो यहाँ गिन के आपको पांच सिलाइयाँ उल्टे और सीधे तरफ से ये निकालनी है। यानी कि पांच जोड़े, दस दस दोनों तरफ से 20 फंदे हमें छोड़ने हैं। उसके बाद मैं आपको आगे की बुनाई बताती हूँ। हमारे चार फंदे रह गए हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ से चार रह गए, दो पहले वाले और दो अब के। ऐसे दो चार छः आठ दस, दस तक हमें फंदे छोड़ने हैं। फंदे जैसे छोड़ते जाएंगे वैसे थोड़ी थोड़ी गोलाई आती जाएगी, हमारी डिजाइन बुनती चली जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिए 10 फंदे। तो दोनों तरफ 10 10 फंदे हो गए और ये 8 फंदे और हमारे बचे हैं। तो इसमें मैं एक सीधी सिलाई निकाल लूंगी 8 फंदों की। तो दूसरी तरफ से बुनते हुए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक बार हमने बुन लिए सारे 8 फंदे। ये हमारे 8 फंदे हो गए हैं। अब जब मैं दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट करूंगी तो जो दो दो फंदे हमने छोड़े थे, अभी उन दो दो फंदों को भी बुनाई में साथ लेने लगेंगे। लेकिन चूंकि ये 8 फंदे हमारे बुनेंगे तो बीच में उनमें गैप आ जाएगा, क्योंकि दो दो फंदे हमारे पहले के छोड़े हुए हैं तो बीच में गैप आ जाएगा। तो बीच में से हम एक फंदा उठा लेंगे और दो फंदों का, ये देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बीच से एक फंदा ले लिया है, दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे ताकि हमारे फंदे भी उतने के उतने ही रह जाएंगे और ये बढ़ा हुआ फंदा भी बुनाई में आ जाएगा और बीच का गैप भी कम हो जाएगा।
तो इस तरह से दो दो फंदे दोनों तरफ से लेते जाएंगे और गैप को कम करने के लिए बीच से एक फंदा हम उठा लेंगे और आखिर तक ऐसा ही बुनते चले जाएंगे। तो एक तरफ से हमने दो फंदे उठा लिए, अभी देखिए मैं दूसरी तरफ से और आपको बताती हूँ। ये देखिए दो फंदों के बीच में गैप आया, तो हमने बीच से एक फंदा लिया और अब इन दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। दो फंदों का एक फंदा किया और दूसरा फंदा भी ऐसे ही बुन लेंगे सीधा और दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो दोनों तरफ के छोड़े हुए 10 फंदे हम फिर से हमारी बुनाई में ले लेंगे और हमारी डिजाइन ये कंप्लीट हो जाएगी। एक इससे आगे फिर मैं आपको दूसरा रंग जोड़ना और दूसरी कली छोटी कली की स्टार्ट बताती हूँ। इतना हम बुन लेंगे। ये मैं यहाँ 28 फंदों का पायदान बना रही हूँ। फंदे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी। अगर पायदान बड़ा बनाना है तो फंदे आप ज़्यादा ले सकते हैं। और पायदान की डिज़ाइन तो जैसे आप देख ही रहे हैं बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो आप इसे माता के आसन में, और अगर आप ऊन से इसे बनाएं तो थालपोस के जैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये। देखिए मैंने लगभग बुन लिया है, मेरे दो फंदे और बचे हैं। इसके बाद मैं इसमें दूसरा कलर डालूंगी। तो ये ऐसे हमारी एक कली बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, तो ये दो और फंदे ये हम बुन लेंगे।
ये हमारी एक कली बनकर तैयार। देखिए आप, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी मैं ये हरा रंग इसमें जोड़ने वाली हूँ। तो जोड़ना बहुत ही आसान है। ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुनाए उतार लेंगे इसमें सीधा। देखिए पहला फंदा सीधा उतार लिया। और अब आखिर तक हम उल्टी सिलाई पूरी एक सीधे उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। यानी ये सारे फंदे हम एक बार हरे रंग से सारे फंदे सीधे और उल्टे दोनों तरफ से बुन लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बीच में दूसरे रंग की लाइन सी बन जाएगी पत्तियों के बीच में। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगती है, इसमें थोड़ा अलग भी लगता है। ऐसे ही आखिर तक बुन लेंगे हरे रंग से। फिर हम इसमें तीसरा रंग जोड़ लेंगे। अब इसमें पिंक रंग हम जोड़ लेंगे। तो इससे हम हमारे 14 फंदे बुनेंगे पिंक रंग से। और इससे हमारी छोटी वाली कली की बुनाई स्टार्ट होगी। 14 फंदे अलग से इस रंग से बुनेंगे। तो इसे हम 2 सिलाई निकाल लेंगे उल्टा और सीधे तरफ से। 14 फंदे बुन के ले आएंगे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए ये 14 फंदे मैं आपको गिन के बता रही हूँ। ये 14 फंदे 28 फंदों में से 14 फंदे हमने इस दूसरे रंग से बुन लिए हैं और छोटी वाली कली की बुनाई स्टार्ट कर दी। तो बड़ी वाली कली में जैसे हमने 2-2 फंदे छोड़े थे, इसकी बुनाई में हम एक एक फंदा अब छोड़ते हुए चले जाएंगे।
एक फंदा हम वैसे ही बिना बुना उतारते हैं और 14 फंदों में से आखिरी फंदा हम छोड़ देंगे, तो एक एक फंदा हम छोड़ते हुए चले जाएंगे जब तक कि हमारे पास 2 फंदे ना रह जाए। ये मैंने एक फंदा छोड़ दिया है और दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट कर दी है। जैसे जैसे फंदे छुटते जाएंगे इसकी हल्की हल्की गोलाई आती जाएगी और आपको देखने से ही डिज़ाइन का समझ पड़ता जाएगा कि इनमें हमारी डिज़ाइन बनती हुई आ रही है। फंदे का छोड़ना भी कि हाँ हमने कितने फंदे छोड़ दिया और हमें और कितने और छोड़ने हैं, तो वो आपको डिज़ाइन में समझ आ जाएगी। देखिए ये गोलाई आ रही है आखिर से, जैसे जैसे फंदे करते जाएंगे लाइन्स दिखते जाएंगे अलग अलग। तो ये हम लगभग आखिरी में पहुंच चुके हैं, हमारी आधी कली बन के तैयार हो गई है लगभग। अब हम फंदे फिर से बढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जैसे अभी एक एक फंदा छोड़ते हुए आ रहे थे, अब एक एक फंदा फिर से उठाने लगेंगे हम। बुनाई में एक एक फंदा साथ लेने लगेंगे। ये 2 फंदे कर लिए हमने,
जैसे आखिरी के हमारे दो फंदे बचे थे, अब दो से हम तीन कर लेंगे, तीन फंदों तक बुनेंगे। ये देखिए हमें दो फंदे हमारे आखिर के रहे थे, तो दो से तीन फंदे, तीसरे फंदे को बुन लिया था, तीन फंदे हो गए। अब हम चौथा फंदा और ले लेंगे। मैंने चौथा फंदा और ले लिया, दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट कर दूंगी। अभी उल्टे चार फंदे मैं बुन लूंगी। तो ऐसे ही तीन चार पांच और सारे फंदे हम फिर से बुनाई में लेते जाएंगे और हमारी ये कली कंप्लीट हो जाएगी। जैसे जैसे हम देखो ये छोड़े हुए फंदे उठाते जा रहे हैं, हमारी कोने जैसी नोक सी निकल आई है, इस कली की डिजाइन सी निकलती जाएगी। ये देखिए तो ये आपको समझ आता जाएगा कि ये दो फंदे दो के फिर हमें तीन करे, चार करे, ये वी जैसा हमारा बनता डिजाइन बन जाएगी। ये देखिए आधी कली देखिए ऐसी लग रही है, आधी कली बुन ली है मैंने, सिर्फ तीन फंदे और उठाने बाकी हैं। तो मैंने इसकी लगभग बुनाई कंप्लीट कर लिया और आपको डिज़ाइन देखे समझ आ रहा होगा कि ये हमारी लगभग बन चुकी है कली, देखिए पूरी होने को आई है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ ये आपको समझाया है। तो देखिए तो आधी स्टार्ट जब हम करते हैं तो एक एक फंदा छोड़ते जाते हैं, और जब और बाकी का आधा हिस्सा जब हम बुनेंगे तो वो छोड़े हुए फंदे हम फिर से एक एक करके उठाने लगेंगे, और ऐसे हमारी कली कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैं बुन लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको दूसरी कली के लिए भी मैं इसमें जोड़ना बताऊँगी कि दूसरी कली हम कैसे जोड़ेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
तो देखिए इसकी बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कुछ ऐसी डिजाइन हमारी ये बनेगी। यहाँ पे छोटे वाले करीबी में आपको आधा आधा हिस्सा क्लियर समझ आ रहा होगा। अब ये यहाँ पे मैं दूसरी कली के लिए आपको धागा जोड़ना बता रही हूँ। तो इसके लिए हम उल्टा उल्टा ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे और ऐसे हमारी दूसरी कली की बुनाई फिर शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और एक बार फिर से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और मेरा हौसला बढ़ रही है ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। जो मुझे आता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूं। और मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगर कुछ और इम्प्रूव करना होगा तो वो भी मैं करूँगी। उसके अलावा कुछ और कमेंट्स हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।